बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अज असीं बनावांगे बेसन वाला नान। हाँ जी, की हाल है तुहाडे सारयां दे? तबीशतां, सेहतां, नीशतां सब ठीक है? बेसन वाला नान बनाने वास्ते असीं सानू यह चीज़ां चाहीदियां ने, आलू, प्याज, बेसन ते हरियां मिर्चां। आलू नू चाहे तुसीं बरीक भुजिया वाले स्टाइल च कट लवो या इस तरह चिप्स वाले स्टाइल च कट लवो। कट के धो लिते ने प्याज भी, असी कट के साफ कर लिता है, धो लिता है। इन्हों इस तरह तुसी इन्हों अलहदा अलहदा करने ने। बेसन भी तुसी साफ ते अच्छी क्वालिटी का लेना है ताकि इन्हें सुंडियां वगैरह ना हो। हरिया मिर्चा भी असी धो के कट लीतियां ने। तुसी एक बर्तन लवो, उन्दे विच ऐड करो आलू, प्याज, हरियां मिर्चां, धनिया, हुण इहदे विच तुसी ऐड करो हसबे जरूरत नमक। नमक तुसी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि बाज़ार वाले नान दे विच भी नमक शामिल होंदा है। हुण तुसी इहदे विच ऐड करो स्पाइसी करन वास्ते लाल मिर्चां, जीरा, कालियां मिर्चां पीसियां हुईयां, सुक्का धनिया। कलर वास्ते फूड कलर तुसी ऐड करो। खुशबू वास्ते तुसी इन्हें ऐड करो कसूरी मेथी। हाजमे वास्ते ते अच्छे जायके वास्ते हुण तुसी इन्हें ऐड करो अनारदाना। हुण इन्हां नूं तुसी अच्छी तरह मिक्स करो ते इन्हें ऐड करो बेसन। बेसन डाल के अच्छी तरह तुसी पानी तो बगैर पहले सारा घोल लवो क्योंकि सारियां सब्जियां मसाले वगैरह पानी छड्डदे ने, इसलिए फिर तुहानूं अंदाज़ा हो जाएगा कि असी किन्ना कु पानी बाद विच शामिल करना है। मसाले, बेसन ते पानी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ज़्यादा तुसी पतला नहीं बनाना वरना तुहाडे नान ते नहीं ठहरेगा। बस इस तरह तुसी आ बनाना है। नान फ्राई करन वास्ते तुसी ऑयल डालो, कंजूसी नाल नहीं डालना, थोड़ा ज़्यादा ही डालना क्योंकि असी फ्राई करना है। बेसन असी घोल के रख दिता है कि वह साडा गर्म हो रहा है ते हुण तुसी लवो नान। नान दे उत्ते अच्छी तरह लेप लवो सीधी वाली साइड ते। खूबसूरती वास्ते असी उत्ते अनारदाना शामिल करांगे ते सुक्का धनिया। हुण साडा नान दे उत्ते मसाला रेडी है। बिस्मिल्लाह दी बरकत। इसे तरह तुसी आराम दे नाल एहतियात दे नाल नान नूं ऑयल दे अंदर उल्टा देना है। बेसन वाला नान डीप फ्राई हो चुकिया है। बेसन वाले नान रेडी ने, तुसी भी बनाओ, खाओ, दुआवां विच याद रखो। इंशाल्लाह जिंदगी रही, दोबारा किसी और वीडियो नाल हाजिर होवांगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।